अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनका वजन 70 किलो था, और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 kgs है, 8.5 किलो कम। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस खतरनाक बीमारियों का इंडिकेटर होता है। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, सीरियस किडनी प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर का भी द्योतक होता है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में है, और आज जेल में होने की वजह से उनको सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को खतरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश, तो क्या भगवान भी उनको माफ़ नहीं करेगा।